Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Free College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you Clark Hull's theory of learning. Learning पर हम लोगों ने बहुत बात कर ली है, concept of learning बात की है, factors influencing learning बात की है और बहुत सारी learning theories जिसमें कि Thorndike है, Pavlov है और आपका Skinner है, Tallman है, बंडूरा पे दो वीडियो बनाने पड़े क्योंकि वो थोड़ा सा रह गया था, और कंस्ट्रक्टिविज्म है ना. हल पे भी एक बार आपसे बात हो चुकी है पहले, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ है हल के बारे में बताने के लिए, इनकी थ्योरी के बारे में बताने के लिए, उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया. तो इसलिए ये एक और सप्लीमेंट्री वीडियो हल की थ्योरी लर्निंग पर क्या बात की है उन्होंने ये बताने के लिए. और क्लार्क हल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब बहुत ज्यादा हल्की थ्योरी को प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत पढ़ने पढ़ाने के लिए जरूरी है. कैसे ये शुरू हुआ, क्या इसका स्थान है, ये बिहेवियरिस्ट है कि कॉग्निटिविस्ट है, कहाँ पे ये बात करें, ये सारी बातें. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. पिछला वीडियो आप सुन लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि हल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है. व्हेन द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फेल्ड. अच्छा, ये बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो मोटिवेशन में भी पढ़ी जाती हैं, लर्निंग में भी. जैसे हल की थ्योरी आप मोटिवेशन में भी पढ़ सकते हैं, और चूंकि मोटिवेशन और लर्निंग इतना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मोटिवेशन इतना इतना आप कह सकते हैं कि जरूरी हिस्सा है लर्निंग का, कि मोटिवेशन की थ्योरी को लर्निंग की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. एक और वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूंगी कि मोटिवेशन, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है तो बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास लिखने के लिए नहीं होता है कुछ विशेष, क्योंकि उनको लगता है बस एक बात की मोटिवेशन जरूरी है लर्निंग के लिए, इसके अलावा क्या लिखें, है ना. तो वो आपसे डिस्कस होगा. प्लस एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज टू डेवलप मोटिवेशन इन योर लर्नर्स. तो वो दोनों ही बातें, यानी कि रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग और स्ट्रेटजीज टू डेवलपिंग मोटिवेशन या टू डेवलप मोटिवेशन को कवर करते हुए एक नेक्स्ट वीडियो और आपसे डिस्कस करूंगी, तब जाके ये लर्निंग का हिस्सा पूरा होगा. तो वो कह रहे हैं कि व्हेन द इंस्टिंक्ट सॉरी थियरी ऑफ मोटिवेशन फेल्ड, इट वॉज रिप्लेस्ड बाई ड्राइव रिडक्शन थियरी. यानी कि बहुत सारी थियरीज आती रहती हैं, जब इंस्टिंक्ट थियरी मोटिवेशन की फेल हो गई तो ड्राइव रिडक्शन की थियरी ने उसको रिप्लेस किया. अब इंस्टिंक्ट क्या है, आप समझ सकते हैं कि आंतरिक कुछ इंस्टिंक्ट, आपके अंदर ऐसा इंस्टिंक्ट है कि आपको वो करने का मन कर रहा है, जब इंस्टिंक्ट होगी तभी आप मोटिव आपको मिलेगा वो काम करने के लिए. या तो ये फेल हो गई और फिर उसके बाद ड्राइव रिडक्शन, आप अगर पुराना वीडियो सुनिए तो आप जानेंगे ड्राइव क्या है, रिडक्शन क्या है. फिर भी ड्राइव सॉरी ड्राइव हमारे अंदर किसी किसी आवश्यकता के लिए होती है तो हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं. मतलब कोई टेंशन अरोज होता है, टेंशन उत्पन्न होता है तो हम उसको कम करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि जो शरीर है, जो मन है आपका, वो आपकी बायोलॉजी जो है, आपकी फिजियोलॉजी जो है, वो होम्योस्टेसिस की अवस्था में रहना चाहती है. मतलब संतुलन की अवस्था में, कोई दिक्कत ना हो. प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए, भूख लगी है तो खाना खा लीजिए, इस तरह से. ठीक है, तो सॉरी ये कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड क्रिएट्स एन अराउज्ड टेंशन स्टेट. कह रहे हैं कि हमको जब शारीरिक कोई आवश्यकता हमको उत्पन्न होती है तो टेंशन उत्पन्न होती है. ड्राइव, ड्राइव का क्या मतलब, जो आपको चलाए, जैसे ड्राइवर चलाता है ना, दैट मोटिवेट्स एन ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई द नीड. वही ड्राइव जो है वो ऑर्गेनिज्म को मोटिवेट करती है, अभी प्रेरित करती है कि उस आवश्यकता की संतुष्टि कर लो, पूरा कर लो उसको. ऐसा हल ने 1951 में कहा. और इंस्टिंक्ट क्या है, इंस्टिंक्ट इज ए स्पीशीज स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स दैट इज इननेट नॉट लर्नड. और जो इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात हो रही थी कि वो फेल हो गई तो उसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ने रिप्लेस किया, तो वो कह रहे हैं इंस्टिंक्ट जो है वो किसी भी जाति विशेष का, उनके व्यवहार का एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो कि वो जन्मजात है, वो सीखते नहीं है. तो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, सिगमंड फ्रायड एंड विलियम जेम्स ने. तो आप समझ सकते हैं कि ये पुरानी थ्योरी है, और इस चूंकि ये फेल हो गई, ये बहुत सारी बातें क्लियर नहीं कर पाई, तो उसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ने रिप्लेस किया. ये इतनी बात है. फिर क्या बात है, हल्स थियरी इज ए कंसेप्चुअल डिसेंडेंट ऑफ थॉर्नडाइक्स इन एज मच एज ही अप्लाइड रीइंफोर्समेंट एज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग. तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बिहेवियरिस्ट का कुछ हिस्सा अपने अंदर ले रहे हैं, ये भी कुछ हद तक बिहेवियरिज्म है या बिहेवियरिस्ट है, या आप कह सकते हैं कि नियो बिहेवियरिस्ट है. हल को नियो बिहेवियरिस्ट थियरिस्ट में पढ़ा जाता है. नियो बिहेवियरिस्ट मतलब नव व्यवहारवादी, यानी कि व्यवहारवाद का कुछ इन्होंने कंसेप्ट लिया और आगे बढ़ गए. आगे कहाँ बढ़े, कॉग्निटिविज्म की तरफ. कह रहे हैं
जो हल्का सिद्धांत है वो आप कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक से इन्होंने बहुत कुछ लिया। क्या लिया इन्होंने थॉर्नडाइक से? इन्होंने रीइन्फोर्समेंट थॉर्नडाइक से लिया। फिर आप कहेंगे रीइन्फोर्समेंट तो स्किनर का कंसेप्ट है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्किनर ने अपना रीइन्फोर्समेंट का कंसेप्ट थॉर्नडाइक से लिया है। कैसे? जब थॉर्नडाइक बताते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट की बात, जब वो बताते हैं प्रभाव का नियम, जब वो बताते हैं कि आप कोई काम करते हैं उसका प्रभाव जो आपको मिलता है वो तय करता है कि आप वो काम सीखेंगे कि नहीं, तो आप कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक और स्किनर के ये उत्तराधिकारी रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रीइन्फोर्समेंट को माना कि ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है, विशेषता है लर्निंग की। फिर इन्होंने इनकी थ्योरी को आप क्या नाम दे सकते हैं? मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी। इस थ्योरी में मैंने उनका फॉर्मूला नहीं यूज किया है, पुराना वीडियो आप इस वीडियो में नहीं यूज किया है, पुराना वीडियो सुनिए। तो एक थ्योरी, एक फॉर्मूला बताया उन्होंने लर्निंग के लिए कि ये आप पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉजिटिविस्ट हो गए। तो ये कह रहे हैं कि हल कंस्ट्रक्टेड एंड इलेबोरेट मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल नोशन दैट देयर आर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स इन द ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया उसको आप मैथमेटिको डिडक्टिव, अब इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिए क्या इसका शब्द इस्तेमाल हो, गणितीय कुछ ऐसे आगमन निगमन करके होगा, है ना। मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल नोशन, वो कह रहे हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है मतलब जो इंडिविजुअल होता है उसमें कुछ, उसकी लर्निंग में कुछ वेरिएबल्स इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन करते हैं मतलब उसमें उसमें बीच में आ जाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, इस तरह समझ लीजिए। विच इन्फ्लुएंसेज व्हाट रिस्पॉन्स विल अकर फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस, जो ये तय करता है, प्रभाव डालता है कि किस स्टिमुलस पे व्यक्ति ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्स देगा। तो कुछ वेरिएबल्स की भी बात हल ने अपनी थ्योरी में की है। कौन कौन से वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, और इंटरवीनिंग मतलब जो उसमें इंटरवीन करता है, बाधक चर या इसकी हिंदी क्या है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कह रहे हैं कि विच इज सिस्टमेटिकली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको एक्सपेरिमेंटर यानी प्रयोग करने वाला मैनिपुलेट करता है, क्योंकि ये तो स्वतंत्र है तो इसमें जोड़ तोड़ करता है, घटाता बढ़ाता है और इसका प्रभाव स्वतंत्र चर पे देखता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर दैट आर मेजर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर टू डिटरमाइन वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैड एनी इफेक्ट, यानी कि ये देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इंटरवीनिंग क्या है? दीज आर प्रोसेसेस थॉट टू बी टेकिंग प्लेस विद इन द ऑर्गेनिज्म बट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित नहीं करता है, कुछ और भी वेरिएबल हैं जो प्रभावित करते हैं। ये माना जाता है कि वो प्रभावित कर रहे हैं लेकिन आप उनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, वो मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रभावित करते हैं, तो वो सब इंटरवीनिंग हो गए। तो हल ने ये माना कि इंटरवीनिंग वेरिएबल ऑर्गेनिज्म में या इंडिविजुअल में होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने, हाँ ये पोस्टुलेट के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज ये कभी कभी ये सवाल पूछ जाता है कि हल के पोस्टुलेट बताइए, तो एक दो नहीं है, 16 है। आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, या आप जो याद कर सकते हैं वो याद कर लीजिए, या कम से कम इतना तो पता हो कि 16 पोस्टुलेट हल ने दिए हैं। He developed 16 postulates regarding the nature and operation of these variables and stated them in such precise terms that they were readily subjected to quantitative testing. मतलब चूंकि मैथमेटिकल है, क्योंकि फॉर्मूला इन्होंने लगाया है, तो इन्होंने कहा कि 16 पोस्टुलेट, क्या पोस्टुलेट का मतलब समझ लीजिए कि मूलभूत मान्यता, या ये कल्पना करके चले कि ऐसा होगा, मान के चले, या इन्होंने पूर्व दशा रखी कि लर्निंग अगर हो रही है तो ये होता होगा, इस तरह से। तो और उसको पूरा क्वांटिटेटिव उन्होंने टेस्ट किया, मतलब पूरा उसमें फॉर्मूला लगा के, स्टैटिस्टिक्स लगा के उन्होंने निकाला। द थ्योरी हैज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स, इन्होंने कहा कि इनकी जो थ्योरी है मतलब हल की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने कुछ पोस्टुलेट बताए, कुछ थ्योरम बताई। क्या पोस्टुलेट और थ्योरम में अंतर है? ये देख लीजिए, पोस्टुलेट्स आर जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट बिहेवियर्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली वेरीफाइड। वो कह रहे हैं कि पोस्टुलेट जो है, आप कल्पना समझ लीजिए, परिकल्पना तो हाइपोथेसिस हो जाएगा, कल्पनाएं जो इन्होंने मानी, मान्यताएं जो मानी, उन्होंने कहा जनरल स्टेटमेंट है, मतलब साधारण वाक्य है बिहेवियर के बारे में जिसको कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते, मतलब आप टेस्ट लगा के इसको निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन फ्रॉम दी पोस्टुलेट्स थ्योरम्स आर जनरेटेड, उन्होंने कहा इन्हीं पोस्टुलेट से थ्योरम निकलेगी और थ्योरम्स आर डिड्यूस्ड फ्रॉम दी पोस्टुलेट, वही बात हो गई, थ्योरम्स कैन बी टेस्टेड। लेकिन उन्होंने कहा कि जो थ्योरम है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो पोस्टुलेट्स एज प्रेजेंटेड बाय हल इन प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर समराइज बिलो। 1943 में इन्होंने किताब अपनी निकली इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और उसमें इन्होंने ये पोस्टुलेट के बारे में बताया 16, जो कि इस तरह से आपको उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप सिर्फ उसको पढ़ते जाइए, जितना आपको याद होता जाए वो याद करते जाइए, या कम से कम कुछ खास बातें याद रखिए, जैसे हैबिट स्ट्रेंथ खास बात है, रिएक्टिव इनहिबिशन खास बात है, इस तरह से। तो पोस्टुलेट 1 क्या है, सेंसिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड द स्टिमुलस ट्रेस। पोस्टुलेट 2, द इंटरेक्शन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस, मतलब सेंसिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो उद्दीपन मिला ऑर्गेनिज्म को उसने उसको सेंस किया। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि इंटरेक्शन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस, यानी कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियों का इंपल्सेस है वो आपस में इंटरेक्शन करता है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ बिहेवियर अनलर्न है, नहीं सीख पाया। फिर उन्होंने कहा कंटिग्यूटी एंड ड्राइव रिडक्शन एज नेसेसरी कंडीशंस फॉर लर्निंग, यानी उन्होंने कहा सीखने के लिए क्या जरूरी है, कंटिग्यूटी। कंटिग्यूटी का भी सिद्धांत गूथरी का आता है लर्निंग थ्योरी, कंटिग्यूटी पे है। कंटिग्यूटी का मतलब सामीप्यता, मतलब उन्होंने कहा कि अगर समीप है, समीप क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, या ड्राइव रिड्यूस हो रही है, यानी कि जो टेंशन है वो कम हो रहा है, ये दो चीजें जरूरी है सीखने के लिए। फिर रिफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन ए स्टिमुलस एंड ए रिस्पॉन्स, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपन है और उसके लिए जो प्रतिक्रिया मिल रही है, वो कितना एसोसिएशन उसका मजबूत है, है ना। एज द नंबर ऑफ रीइंफोर्स्ड पेयरिंग्स बिटवीन ए स्टिमुलस एंड ए रिस्पॉन्स गोज अप, द हैबिट स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसोसिएशन गोज अप। यहाँ से देखिए हैबिट स्ट्रेंथ निकल के आया, जो खास बात है हल्की थ्योरी की। हैबिट स्ट्रेंथ नाम से ही समझ में आ रहा है, आदत की शक्ति। क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा बार पेयरिंग आपकी होगी, उतना ज्यादा वो एसोसिएशन मजबूत होगा, उतनी ज्यादा हैबिट स्ट्रेंथ मजबूत होगी। फिर स्टिमुलस का जनरलाइजेशन, यानी कि अगर बार बार वो पेयरिंग होगी तो आप वो स्टिमुलस जनरलाइज हो जाएगा, यानी कि तय हो जाएगा कि इस स्टिमुलस पे आप यही रिस्पॉन्स देंगे। फिर इन्होंने कहा कि स्टिमुलस जो है वो ड्राइव से जुड़ा हुआ है। फिर रिएक्शन पोटेंशियल, देखिए ये खास बात है, हैबिट स्ट्रेंथ खास था, फिर ये रिएक्शन पोटेंशियल खास है। क्या है रिएक्शन पोटेंशियल, ये कह रहे हैं ड्राइव और हैबिट स्ट्रेंथ का फंक्शन है, यानी कि ड्राइव को हैबिट स्ट्रेंथ से गुणा कर दीजिए तो रिएक्शन पोटेंशियल निकल आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स के टर्म्स में बताया है। फिर कह रहे हैं रेस्पॉन्डिंग कॉजेस फटीग, वो कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया जब देता है ऑर्गेनिज्म तो उसको थकान भी होती है, फटीग होता है, विच ऑपरेट्स अगेंस्ट द इलिसिटेशन ऑफ ए कंडीशन रिस्पॉन्स। अब देखिए, अब इतना कुछ है समझाने के लिए, सारा कुछ एकदम डिटेलिंग में नहीं बताया जा सकता, लेकिन कम से कम आपके सामने पूरा कंटेंट है। दूसरी बात, आपको पुरानी बातें भी पता होना चाहिए। अब अगर आप कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं समझेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए जाइए कहाँ, पैवलॉव के पास। पैवलॉव ने क्या कहा है, कौन सा रिस्पॉन्स कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, तो इन्होंने कहा यहां से आपको टर्म मिलेगा रिएक्टिव इनहिबिशन, यानी कि इनहिबिशन का मतलब रोकना, और रिएक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल इसका उल्टा है, यानी कि काम हो रहा है, रिएक्टिव इनहिबिशन यानी काम रुक रहा है। तो इस तरीके की बातें हैं, आप इसको समझिए जितना आप समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा इनहिबिशन भी कंडीशनड हो जाता है, मतलब तय हो जाएगा कि आप इस बार ये काम नहीं करेंगे। द लर्न रिस्पॉन्स ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग, समझ रहे हैं ना कि ये रिस्पॉन्स आपने लर्न कर लिया कि आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है। फिर दसवां कह रहे हैं कि फैक्टर्स टेंडिंग टू इनहिबिट लर्न रिस्पॉन्स चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि बदलता रहता है। फिर मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल मस्ट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू बिफोर ए लर्नड रिस्पॉन्स कैन अकर, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन थ्रेशहोल्ड। अब अगर आपको थोड़ा बहुत साइंस और मैथ्स का ज्ञान नहीं है, थ्रेशहोल्ड किसको कहते हैं, मतलब वो लिमिट, अपर लिमिट। वो कह रहे हैं कि मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल मस्ट एक्सीड, हमारा रिएक्शन पोटेंशियल एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए तभी लर्नड रिस्पॉन्स होगा। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट है वही थ्रेशहोल्ड है, ठीक। फिर उसी तरह से ये कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए लर्नड रिस्पॉन्स विल बी मेड इज ए कंबाइंड फंक्शन ऑफ द मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, द ओसिलेशन इफेक्ट एंड द रिएक्शन थ्रेशहोल्ड। आई डोंट नो कि आप इसमें से कितना याद कर पाएंगे, लेकिन आपको उसका बेसिक तो समझना ही पड़ेगा, और उसके लिए आप इसको बार बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर वो कह रहे हैं द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल द शॉर्टर द लेटेंसी। लेटेंसी का क्या मतलब होता है, मतलब हम लेटेंट हो गया व्यक्ति ऑर्गेनिज्म की कुछ नहीं कर रहा है, तो कह रहे हैं कि इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा लेटेंसी उतनी कम होगी, ऑब्वियस है। फिर द वैल्यू ऑफ द मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल विल डिटरमाइन रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है कि समाप्त हो जाना, तो समाप्त हो जाने को रोकना का मतलब कि सीखना। तो कह रहे हैं कि मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही ये सुनिश्चित करेगी कि आप सीखेंगे कि नहीं सीख पाएंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए कंडीशन रिस्पॉन्स वेरीज डायरेक्टली विद द मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल। और लास्ट में इनका 16वां पोस्टुलेट जो था, उन्होंने कहा व्हेन टू और मोर इनकंपैटिबल रिस्पॉन्सेज टेंड टू बी इलिसिटेड इन द सेम सिचुएशन, द वन विद द ग्रेटेस्ट मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल विल अकर।
वो कह इनकॉम्पेटिबल मतलब कि जो योग्य नहीं है, वो कह रहे हैं कि दो अगर इनकॉम्पेटिबल रिस्पॉन्स एक ही समय में एक ही सिचुएशन में इलिसिट होते हैं, यानी कि व्यक्ति करता है, तो जिसका इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो करेगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा थ्योरी को अपने पोस्टुलेट पर आधारित बनाया, पोस्टुलेट से थ्योरम निकाली, क्योंकि थ्योरम को टेस्ट किया जा सकता है, पोस्टुलेट को टेस्ट नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली। तो पूरी इनका इनका क्या फॉर्मूला है लर्निंग का, उसको आप पिछला वीडियो ये वीडियो मिला के सुनेंगे तब आपको हल पूरी तरह समझ में आएंगे। और कई बार आप इसको लिखिए, 16, अब 16 आप इतना लंबा अगर आपको लगता है नहीं याद कर पा रहे हैं, तो एक 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 उसका थीम ले लीजिए कि इसका मतलब रिएक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब है मोमेंट्री इफेक्टिव पोटेंशियल, कहाँ हैबिट स्ट्रेंथ है, कहाँ रिएक्टिव इनहिबिशन है, कहाँ ओसिलेशन इफेक्ट है, इस तरीके से। पर याद तो करना ही होगा। फिर इनका लेटर वर्क देखिए, ये लोग जो हैं ये थ्योरिस्ट, वो अपने थ्योरी पे काम करते रहते हैं, तो खुद ही उन्होंने बार बार अपनी थ्योरी में सॉरी चेंज मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो जो बाद का काम है, यानी कि शुरुआती दौर में जो उनका काम था से लेकर बाद के काम में, उन्होंने थोड़ा सा खुद ही चेंज कर दिया अपनी थ्योरी में। क्या कहा इन्होंने, इंसेंटिव मोटिवेशन की बात की। इन 1943 हल अज्यूम दैट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ड्राइव रिडक्शन, है ना। इन्होंने कहा कि जितना रिवॉर्ड का अमाउंट ज्यादा होता है उतना ही ड्राइव तेजी से कम होती है। जैसे जैसे इस तरह से समझ लीजिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो ये ड्राइव है। ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, मोटिवेशन आपको मिलेगा कि वो काम करें, तो आप खाना खाएंगे। अगर मान लीजिए आपके मनपसंद का खाना नहीं है तो भूख तो मर जाएगी लेकिन मन नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपका एकदम फेवरेट खाना है, एकदम मनपसंद का खाना है, तो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड चूंकि ज्यादा है, ग्रेटर है, इसीलिए ड्राइव रिडक्शन, मतलब आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि पेट भी भर गया मन भी भर गया, इस तरह से समझ लीजिए। ऑर्गेनिजम्स लर्न जस्ट एज रैपिडली फॉर ए स्मॉल रिवॉर्ड एज फॉर ए लार्ज वन, बट परफॉर्मेंस वंस द बिहेवियर इज लर्न वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रिवॉर्ड। वो कह रहे हैं कि रिवॉर्ड चाहे छोटा हो चाहे ज्यादा हो, ऑर्गेनिज्म सीख लेता है कि उसको सीखना है, उसको ये काम करना है, लेकिन परफॉर्मेंस, लेकिन वो काम कैसे करेगा ये सीखा हुआ काम, ये इस पे डिपेंड करता है कि रिवॉर्ड का साइज कितना, अगर बड़ा होगा ज्यादा होगा तो बढ़िया होगा, और कम होगा तो कम होगा। ऐसा इन्होंने कहा कि मोटिवेशन का भी इंसेंटिव होता है, इस तरह से समझिए। फिर ये कह रहे हैं स्टिमुलस इंटेंसिटी डायनेमिज्म, यानी कि स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी वो बदलती रहती है, डायनेमिज्म है, स्टैटिक नहीं है। द ग्रेटर द इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी दैट अ लर्नड रिस्पॉन्स विल बी इलिसिटेड। वो कह रहे हैं स्टिमुलस की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये संभावना होगी कि जो आपने सीखा हुआ रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, वो आप देंगे। फिर ये खास बात है ड्राइव रिडक्शन वर्सेस ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन या स्टिमुलाई रिडक्शन। शुरुआत में देखिए इनकी थ्योरी को कितने नामों से जाना जाता है, क्या क्या आपको बताऊं, कुछ रह जाता है। इनकी थ्योरी को मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी भी कहते हैं, इनकी थ्योरी को सिस्टमैटिक बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, इनकी थ्योरी को ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ड्राइव को रिडक्शन करने के लिए, मतलब ड्राइव को कम करने के लिए काम हो रहा है ना। तो शुरुआत में जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो उसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहा, बाद में उसी का नाम इन्होंने ड्राइव स्टिमुलाई रिडक्शन कह दिया। क्यों कहा ये देखिए, हर्स थ्योरी वाज ओरिजिनली टर्म्ड अ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग, ही रिवाइज्ड दिस टर्मिनोलॉजी टू ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन। क्यों इन्होंने नाम बदल के ड्राइव रिडक्शन से ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन कर दिया। वन रीजन फॉर द चेंज वाज रियलाइजेशन दैट इफ ए थर्स्टी एनिमल इज गिवन वाटर एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग सम एक्ट, इट टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द थर्स्ट ड्राइव टू बी सेटिस्फाइड बाय द वाटर। वो कह रहे हैं, बहुत लंबा था इसको छोटा कर दिया है मैंने यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक एनिमल है, एक इंडिविजुअल है, वो प्यासा है और उसने कोई बढ़िया काम किया और आपने री इन्फोर्समेंट के तौर पर उसको पानी दे दिया, तो पानी, वो कह रहे हैं कि ड्राइव तुरंत रिड्यूस नहीं होती है। पानी आप पियेंगे, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और पूरा जब फील होगा तब जाके ये आपको ड्राइव रिडक्शन होगा, लेकिन स्टिमुलस जो है वो तो तुरंत रिड्यूस हो जाएगा। स्टिमुलस प्यास लगी, पानी मिला, स्टिमुलस रिड्यूस हो गया। इसलिए ये जो टाइम गैप था इसको, ये कहीं आ रहा था बीच में, तुरंत लर्निंग नहीं हो रही थी, तो इन्होंने अभी आगे है और समझा देते हैं, तो इन्होंने इसका नाम ड्राइव रिडक्शन से ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन कर दिया। क्या कह रहे हैं ये, हल कंक्लूडेड, इन्होंने कंक्लूड किया दैट द ड्राइव रिडक्शन वॉज टू फार रिमूव फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिइंफोर्समेंट, यानी कि ड्राइव का रिडक्शन होने में समय लगता है, दूर है वो, तो लर्निंग इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन ड्राइव की स्टिमुलाई का रिडक्शन तुरंत हो जाएगा। वॉट वॉज नीडेड टू एक्सप्लेन लर्निंग वॉज समथिंग दैट अकर्ड सून आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ ए रीइंफोर्स एंड दैट समथिंग वॉज द रिडक्शन ऑफ ड्राइव स्टिमुलाई। वो कह रहे हैं कि लर्निंग कैसे होगी, ड्राइव का तो रिडक्शन देर में होगा लेकिन ड्राइव स्टिमुलाई का रिडक्शन तुरंत हो जाएगा, इसलिए इस थ्योरी का नाम इन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी से ड्राइव की स्टिमुलाई का रिडक्शन कर दिया। ठीक है, फिर फ्रैक्शनल एंटी डेटिंग गोल रिएक्शंस, ये कह रहे हैं कि जैसा कि पेवलोव ने कहा, एन ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप ए कंडीशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एक्सपीरियंस जस्ट प्रायर टू द बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स्ड। इन्होंने कहा कि
जैसे पैवलॉव थे, पैवलॉव क्या कह रहे थे कि घंटी बजाइए तो ऑर्गेनिज्म, घंटी बजाइए खाना दीजिए तो ऑर्गेनिज्म की सलाइवा सिक्रीट हो रही है, डॉग की सलाइवा सिक्रीट हो रही है, यही चल रहा था। तो बार बार घंटी बज रही है, खाना दिया जा रहा है, सलाइवा निकल रहा है, घंटी बज रही है, खाना दिया जा रहा है, सलाइवा निकल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जस्ट प्रायर टू दी बिहेवियर, क्योंकि जैसे ही बिहेवियर के जस्ट पहले आप वो उसको स्टिमुलाई दे दे रहे हैं तो वो कंडीशनड हो जाता है। तो इसका ये री इन्फोर्समेंट है, मतलब कि अगर आप फिर खाना नहीं भी देंगे और घंटी बजाएंगे तो सलाइवा सिक्रीट होगा। इसी को इट इज दिस कंडीशन रेस्पॉन्स टू एंटीसीडेंट स्टिमुलाई दैट हेल रिफर्स टू एज एंटीसिपेटरी गोल रिएक्शंस। इसी का नाम इन्होंने एंटीसिपेटरी गोल रिएक्शन कर दिया। तो ये चार चेंजेस हैं जो लेटर वर्क यानी कि बाद के काम में, जब शुरुआती दिनों के बाद में हल ने अपना काम किया तो क्या इन्होंने नाम दिया, इंसेंटिव मोटिवेशन, स्टिमुलस इंटेंसिटी डायनेमिज्म, आपका ड्राइव रिडक्शन वर्सेस ड्राइव स्टिमुलाई रिडक्शन, और फ्रैक्शनल एंटी डेटिंग गोल रिएक्शन। सारा कुछ नेट के पर्पज से, जितना मतलब मैक्सिमम इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये आपके सामने है कि आप इसमें से कितना ग्रैस्प कर पाएंगे, ठीक है। अब इसकी शैक्षिक निहितार्थ देख लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, कैसे करिकुलम बनाया जाए, क्यों ये कह रहे हैं, नीड यानी कि ड्राइव होनी चाहिए, उसी के रिड्यूस करने के लिए व्यक्ति कुछ काम करेगा, यानी कि नीड उसको समझ में आएगी कि ये पढ़ना उसके लिए जरूरी है, उसको नीड समझ में आएगी, इससे सवाल पूछे जाते हैं तभी वो पढ़ेगा। तो नीड जनरेट करनी है हमको करिकुलम में। रोल ऑफ एंग्जाइटी एज अ ड्राइव इन ह्यूमन लर्निंग, चिंता होनी चाहिए उसके अंदर थोड़ी सी, चिंता बहुत ज्यादा भी ना हो, चिंता बहुत कम भी ना हो, एकदम फ्री है एग्जाम होगा तो कुछ भी लिख देंगे, या चिंता इतनी है कि तबीयत खराब हुई एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं। मॉडरेट अमाउंट में अगर चिंता है बच्चे के पास तो वो उसको मोटिवेशन मिलेगा, ड्राइव मिलेगी कि उसको सीखना है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो द ड्राइव रिडक्शन हाइपोथेसिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रेक फ्रॉम द इम्प्रिसाइज डेफिनेशंस ऑफ सेटिस्फायर्स रीइंफोर्सर्स दैट कैरेक्टराइज बोथ थॉर्नडाइक और स्किनर थ्योरी, यानी कि इन्होंने कोशिश की कि थॉर्नडाइक और स्किनर में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको हम ब्रेक करके आगे बढ़ पाए। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट जॉइंट इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड ड्राइव ऑन बिहेवियर एंड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फटीक, यानी कि ये पहले थेरिस्ट थे जिन्होंने फटीक की बात की कि व्यक्ति का मतलब थकेगा भी कहीं, फटीक का कंसेप्ट इसके पहले नहीं था। लर्निंग और ड्राइव हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती है, ये बात की। और इनकी थ्योरी का नाम किस लिए होता है कि इन्होंने सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और एक मैथमेटिकल थ्योरी लर्निंग की दी है। तो इस तरह से इनकी थ्योरी एक बहुत इनोवेटिव थी, ऑब्जेक्टिव बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग थी। और इनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर माना जाए तो ये है कि इन्होंने लर्निंग को नीड ऑफ द चिल्ड्रन से जोड़ा कि व्यक्ति का बच्चे की आवश्यकता होगी तो खुद ही सीख जाएगा। He says that it is the need, drive or drive stimuli that energize an individual to act, learn or behave. इन्होंने कहा कि बच्चे के सामने अगर आवश्यकता होगी, ड्राइव होगी, तो उस ड्राइव की रिडक्शन करने के लिए, उस ड्राइव को कम करने के लिए वो सीखेगा। इस तरह से बातें हैं। थोड़ा सा लेंदी हो गया बिकॉज ये है ही इतना लेंदी, इसको आप इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते थे। तो पुराना भी है इतना कुछ, वो और ये मिलाएंगे आप तब जाके हल्की थ्योरी कंप्लीट होगी, ठीक है। So in this way I have completed Hull's theory of learning in a holistic way, and thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.